वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज ट्रेडर्स के लिए स्पेशल वीडियो है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करेंगे, मल्टी स्ट्राइक, ओआई, स्ट्रेटेजी बिल्डर, इजी ऑप्शंस और वर्चुअल ट्रेड किस तरह से करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, जो कि पेपर ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले आप sensible.com वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ पर आप लॉगिन ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप ज़ेरोधा के साथ लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि ज़ेरोधा के लिए sensible बिल्कुल फ्री है। अगर आपका अकाउंट कोई दूसरे ब्रोकर के साथ है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जो ज़ेरोधा की लिंक है उस लिंक के साथ अपना अकाउंट ज़ेरोधा में ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी बचत होने वाली है, जो कि यहाँ पर आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा sensible यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ ज़ेरोधा पर क्लिक करके। तो लॉग इन कर लेने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस रहेगा sensible का। तो इसमें हम जानेंगे, पहले तो हम जान लेते हैं ऑप्शन चेन। इसके लिए आपको यहाँ पर एनालिसिस पर जाना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का टेबल आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल्स, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस और यहाँ पर पुट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप एक्सपायरी चूज कर सकते हैं जो मंथ की चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट द मनी इंडिया विक्स कितना चल रहा है और जो ऑप्शंस आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। इस टेबल के जरिए से हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा और मार्केट कहाँ पर सपोर्ट फेस करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अगर हम ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी 19,786 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 19,800 का लेवल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लू यहाँ पर मार्क किया गया है 19,800 के लेवल को, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 21% ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है कॉल्स में, और पुट्स में आप देख सकते हैं कि 278% चेंज हुआ है। जनरली मार्केट में कॉल्स मतलब बुलिश रहता है और पुट्स मतलब बेरिश होता है, लेकिन इस टेबल में ये डेटा जो दिखा रहा है सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का डेटा है। यहाँ पर जब भी सेलर्स कॉल को शॉर्ट करेंगे तो उनका व्यू रहेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और जब भी पुट्स को सेलर्स शॉर्ट करते हैं तो उनका व्यू रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए हम जब भी कॉल्स में स्ट्रेंथ देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट बेयरिश है, और अगर हम पुट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19,800 के लेवल पर यहाँ पर 156 है लैक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुट्स में 137 है, जो कि दोनों साइड्स भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर सका है, और इसी रेंज के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का मार्केट ट्रेड हो रहा है, जो कि यहाँ मॉर्निंग सेक्शन में एक बुलिश मोमेंटम था, लेकिन 19,800 के लेवल के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेसिंग किया। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, तो फिर से नीचे की तरफ गया, फिर से आया इस लेवल के पास, फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट किया, फिर से बायर्स ने पुश करने के लिए गया, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है मार्केट। तो जनरली इसी डेटा के मुताबिक हम पता लगाएंगे कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा स्ट्रेंथ यहाँ पर 19,900 का लेवल है, जहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, और 19,700 लेवल जो कि यहाँ पर एक निफ्टी के लिए सपोर्ट है। तो इस चार्ट के हेल्प से हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट के लिए कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है, और बुलिश है या बेयरिश है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है मल्टी स्ट्राइक ओआई। यहाँ पर हम एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं मल्टी स्ट्राइक ओआई, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप मल्टी स्ट्राइक ओआई देख सकते हैं।
यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चार्ट्स है, इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से हम यहाँ पर हेल्प लेंगे इस चार्ट का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में निफ्टी है, तो यहाँ से आप चॉइस भी कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, सेम वे में बैंक निफ्टी की वीकली, मंथली और फिर निफ्टी की। तो अभी हम निफ्टी ही रख लेते हैं और यहाँ पर वीकली एक्सपायरी यहाँ पर हो चुका है, तो हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर टाइम फ्रेम चूज करेंगे और यहाँ पर आप स्पॉट या फ्यूचर चूज करेंगे। तो और यहाँ से आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ऐड किया है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर वेरियस, यहाँ पर फर्स्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे फिन निफ्टी और उसके यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए 4 स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप चूज करेंगे और यहाँ पर आप डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रुप 2 ऐड हो चुका है फिन निफ्टी का। अभी हम फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ निफ्टी को और यहाँ से हम निफ्टी मंथली पर आ जाएंगे। पहले हम पूरे अनमार्क कर लेंगे, तो ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द डे, तो यहाँ से आज का मार्केट स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट का व्यू अगर हम आज देखेंगे तो यहाँ पर मैं पूरे ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही एक बुलिश मोमेंटम में था, तो यहाँ पर मैं मार्केट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम में है। और यहाँ पर हम जब भी 19,700 का कॉल ऑप्शन पर एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर अप मोमेंटम में था तब कॉल ऑप्शन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का पर्सपेक्टिव रॉन्ग था, इसलिए वो यहाँ पर अपने पोजीशंस को क्लोज कर रहे थे। इसलिए आप इस तरह का ग्राफ देख सकते हैं। और अगर हम 19,700 पीई का अगर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सीई को ऑफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में यहाँ पर पीई भी मूव हो रहा था। तो यहाँ से हमें एक व्यू मिल सकता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर यहाँ पर इसे क्लोज कर लेते हैं पीई को, यहाँ पर अगर मूवमेंट नहीं आता है ज्यादा कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में, तो यहाँ पर हम अपना व्यू को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। इस तरह से हम अपने व्यूज को प्लान करेंगे और हमें मार्केट्स में ट्रेड्स प्लेस करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर कॉल ऑप्शंस गिर रहा है, अगर मार्केट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है, इसीलिए कॉल ऑप्शंस गिर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है स्ट्रेटेजी विजार्ड। तो यहाँ पर आप ट्रेड पर जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रेटेजी विजार्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। अगर आप निफ्टी में प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी सेलेक्ट कर लेंगे। निफ्टी चूज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको प्रिडिक्शन करना होगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर कुछ रेंज में रहेगा या फिर नीचे जाएगा। तो अभी हम अबव चूज कर लेते हैं और हमें यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस देना होता है, जैसे कि हम 19,800 चूज कर लेते हैं कल के एक्सपायरी के लिए। और वो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ रेडीमेड ट्रेड्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कुछ ट्रेड्स आ चुके हैं और यहाँ पर मैं नीचे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 1800 का होगा और मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटेजी में अराउंड 6,000 रुपीज का होगा। और यहाँ पर जितना कैपिटल होगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर आप वर्चुअल ट्रेड पर क्लिक करके वर्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो कि पेपर ट्रेडिंग है। तो अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप वर्चुअल ट्रेड भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इजी ऑप्शंस को भी जान लेते हैं, उसके बाद हम वर्चुअल ट्रेड के लिए जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रेडिक्ट करके भी निफ्टी में ट्रेड्स को रेडीमेड यहाँ पर वर्चुअल भी कर सकते हैं या फिर रियल ट्रेड्स भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर हम बिलो कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,800 का लेवल है, तो इसे मैं 750 कर देता हूँ और यहाँ पर वो पर क्लिक करने के बाद फिर से कुछ यहाँ पर ट्रेड्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल स्प्रेड मिला है और यहाँ पर जितना अमाउंट चाहिए, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इजी ऑप्शंस पर, तो फिर से आपको ट्रेड पर आना होगा और यहाँ पर आप इजी ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे।
ये जो ऑप्शन है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। यहाँ पर आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि निफ्टी कल के दिन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर साइडवेज होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर साइडवेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ रेडीमेड ट्रेड्स है जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा और यहाँ पर आपको कितना फंड्स होगा। और यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाई किया जाएगा जो कि 19,600 का होगा और एक पुट ऑप्शन को सेल किया जाएगा 19,700 का। सिमिलर में एक कॉल ऑप्शन को सेल किया जाएगा और एक बाई कॉल ऑप्शन को बाई किया जाएगा। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम जानेंगे वर्चुअल ट्रेड। तो यहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक पोर्टफोलियो आ जाएगा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कुछ नेम दे देंगे और यहाँ पर आप कुछ स्ट्रैटेजी नेम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर स्प्रेड लिख लेता हूँ और साइडवेज भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो ट्रेड्स लेने वाले हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्चुअल ट्रेड प्लेस हो चुका है। अगर हम वर्चुअल ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्चुअल ट्रेड देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने वर्चुअल ट्रेड के सेक्शन में। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है और हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। और यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिट। और यहाँ पर एग्जिट ऑल पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस 7.5 रुपीज का है। तो इस तरह से आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।